Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called derivatives. Maths का 12th class की differentiation चल रही है हमारी live classes जो चल रही हैं. Live classes हमारी जो होती हैं वो 6 to 7 होती है, 6 to 7 के बीच में होती हैं. Monday, Wednesday, Friday को होती हैं. नीचे मेरा number दे रखा है, अगर आप live classes join कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो उस number पे एक बार hi भेजिए. थोड़ी सी monthly fees लगती है और आप वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. तो गाइस आज हम करेंगे लाइव क्लासेस का टॉपिक जो हमने करना है, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी तक हमने क्या देखा था, x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल y लिख देते थे. हम लिखते थे x इज इक्वल्स टू y. तो यहां पर y इज डिपेंडेड ऑन x एंड x इज डिपेंडेड ऑन y. y चेंज होने से x पे फर्क पड़ेगा और x चेंज होने से y पे फर्क पड़ेगा. तो जब हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट वाज dy by dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ x जो कि 1 होता है. तो dy by dx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ये चीज ये हम तब करते थे जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते थे. मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कहा y is equals to x में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y also. जी हाँ, y और x है तो y की रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है और x की रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है. मींस अगर मैं ये बोलूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हो जाएगा d by dy of y is equals to dx by dy with respect to y में. तो d by dy of y होगा 1, बराबर हो जाएगा dx by dy. तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर आपका dx by dy 1 आ रहा है, आपने बिना बात के टाइम वेस्ट करा है. आप dy by dx अगर 1 है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसको रेसिप्रोकेट करके dx by dy is equals to 1. तो dy by dx भी यूज होगा, dx by dy भी यूज होगा. बट जहां पर फंक्शन में y और x होता है आमतौर पे वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x. सपोज वो कहते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, तो इसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है. वो कहते हैं y इज इक्वल्स टू log t, इसको देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है. अभी जरा ध्यान से देखना, ये टॉपिक इजी है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है. तो बच्चा कहेगा सर आप कहना क्या चाह रहे हो, एक साथ एक दो. बच्चा कहेगा इसको देखा जाए तो लॉजिकली इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है डब्बे वाले को, या तो विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x और t है, x के चेंज होने से t पे फर्क पड़ता है, t के चेंज होने से x पे फर्क पड़ता है. मैंने कहा दूसरा लाल डब्बा बना देता हूं इसमें. बच्चा बोलेगा लॉजिकली आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए इसको या तो विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू t, यही दो हो सकते हैं सर. मैंने कहा अगर मैं आपसे बोल दूं कि dy by dx निकालो, मैं आपसे बोल दूं find dy by dx, अब तक जब ये वीडियो रिलीज हो रही है तब तक काफी बच्चों के स्कूल में डेरिवेटिव्स हो चुका है, तो बच्चों को आसान लग रहा होगा. ये उन बच्चों के लिए है जिनको हल्की फुल्के से भी डाउट आ रहे हो. तो हम यहां पर क्या करेंगे, माता रानी का नाम लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t मेरे बच्चे. तो dx by dt बराबर हो जाएगा d by dt of t square, dx by dt बराबर हो जाएगा 2t, dx by dt बराबर हो जाएगा 2t. बिल्कुल आराम से सर ये dx by dt आया है, हमें चाहिए dy by dx, आप कहां जा रहे हो. मैंने कहा रिलैक्स भीम रिलैक्स. अगेन अब ये भी बचा है, यहां पर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो डी वाई बाय डी टी बराबर होगा डी बाय डी टी ऑफ लॉग टी. तो डी वाई बाय डी टी हो जाएगा, लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1 बाय टी. बच्चा कहेगा फिर डी वाई बाय डी टी आ रहा है. मैंने कहा यहां पर बस एक फॉर्मूला यूज करना है कि डी वाई बाय डी एक्स कैन बी रिटन एज dy by dt upon dx by dt, ताकि dt से dt
कैंसिल हो गया और बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स, और ये कैंसिल हो जाता है। अब डी वाई बाई डी टी जो था वो था 1 अपॉन टी अपॉन ये जो था ये था 2t, 2t को चाहो तो 2t बाय 1 लिख सकते हो, ये ऊपर आ जाएगा, आंसर इज 1 अपॉन 2t स्क्वायर। जी हाँ, dy बाय dx t की टर्म्स में आएगा। इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस भी बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, कि x भी t की टर्म्स में y भी t की टर्म्स में है, बट dy बाय dx निकल सकता है, y विद रिस्पेक्ट टू x भी चेंज हो सकता है और x विद रिस्पेक्ट टू y भी चेंज हो सकता है। आराम से सांस ले लो, बिल्कुल आराम से सांस ले लो, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ो, कॉपी करने के बाद इसे करना। तब तक भैया मैं आराम कर रहा हूं, मुझे तब तक चिल करके आराम करने दो, पहले ये जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया है वो कर लो, फिर उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। अगर ये पल्ले पड़ा है तो मैं 2 मिनट का रेस्ट ले रहा हूं। मैंने बोला इफ x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, a इज अ कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। मैं तो चिल कर रहा हूं, ये शायद मेरा चिल होने की वजह से आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बट मैं अपना आराम से मस्ती से बैठा हुआ हूं। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, तब तक मैं तो चिल कर रहा हूं, जल्दी कीजिए गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लास देखेगी तो क्लास बोलेगी सर यहां पर एक्स एक वेरिएबल है और थीटा एक वेरिएबल है, यहां पर वाई एक वेरिएबल है और थीटा एक वेरिएबल है, यहां टी नहीं आएगा, यहां आएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज अ वेरिएबल, तो डी एक्स बाय डी थीटा बराबर होगा ए बाहर डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा ए, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव होता है 1, इसको मान लो इक्वेशन 1। मैंने ये वाला डेरिवेटिव खुद निकाला है, अब तो बनता है ना, तो अब मैं तो चिल कर रहा हूं, मैं आराम से चिल कर रहा हूं। आप वाई वाला पार्ट एक बार खुद से करो, यू डू द वाई वाला पार्ट खुद से, वाई वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा है, यहां पर भी आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy by d theta will be b is a constant d by d theta of cos theta, dy by d theta is equals to b cos theta होगा, हो जाएगा minus sin theta, d by d theta of theta 1 होता है, तो ये आ गया हमारा dy by d theta। क्लास कहेगी अब क्या, अब हमें निकालना है dy by dx, क्लास बोलेगी dy by dx इस केस में बराबर हो जाएगा dy by d theta अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये याद रख लेना। बच्चा बोलेगा डी थीटा से डी थीटा बाय बाय हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो बाय कुछ रहा नहीं, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा आ गया डी वाई बाय डी एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स मांगा जाए, पूछा जाए या करने को कहा जाए। एक स्मार्ट बच्चा जो अपने नोट स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा वो कहेगा डी एक्स बाय डी वाई आ जाएगा माइनस ए बाय बी वन अपॉन कॉट थीटा को लिख दूंगा टैन थीटा। अपने आप को तैयार रखना हर चीज के लिए, एक और बात के लिए भी तैयार रखना कि डी थीटा बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन ए कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी साइन थीटा। ये दोनों तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, ना जाने कब किसकी जरूरत कहां पड़ जाए और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस वी डू दिस, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया मैंने एग्जांपल नंबर 35 एनसीईआरटी का, बोले फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280, वाई इज इक्वल्स टू 280। मेरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि एक बार तुम ये वाला क्वेश्चन खुद करो, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको करने के लिए, मैं तब तक आराम से चिल करूंगा। ये आज मेरा चिल डे है, संडे इज अ फन डे, आज संडे है जब ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं आराम से
अगर चाहते हो तुम लोग भी मस्ती करो तो सही समय पे सही मेहनत कर लो, ताकि जिंदगी भर आराम किसी को नहीं मिलता, आराम कभी भी किसी को नहीं मिलता। काम के लिए हम आए हैं, किसी भी इंसान को हम जानते हैं तो उसके काम से जानते हैं, और जितना अच्छा काम होगा उतनी आपकी पकड़ होगी, उतना ही आपकी लाइफ का, लाइफ में आपका और आपके परिवार का नाम होगा। अगर ये समझ आया है तो एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से। क्लास बोलेगी सर सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर का आ जाएगा टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा टू ए टी, जय माता दी विद रिस्पेक्ट टू टी। सर वैसे ही सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा, टू भी कॉन्स्टेंट है ए भी कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी जो कि वन होता है, तो डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा टू ए। आराम से माता रानी का नाम लेना, अब लिखना नाउ वी विल यूज अ रिलेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज टू ए अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज टू ए टी, डी वाई बाई डी टी इज टू ए एंड डी एक्स बाई डी टी इज टू ए टी, टू ए से टू ए कट गया वन अपॉन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन अपॉन टी। अगर क्लास साथ है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से करो, मस्ती से करो, एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको कराना चाहता था, आई होप कि मैं आपको ये समझा भी पाया, आई होप। अगर ये पल्ले पड़ा है, अगर ये पल्ले पड़ा है तो एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, रैंडमली दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की 5.6 का 8th क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के बाहर कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन टी, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। मैं तो आज पंगे लेने के मूड में हूं, तो तुम जब तक ये करोगे, लो 3-4 मिनट लो, तब तक मैं आराम से चिल कर रहा हूं, तुम आराम से ये क्वेश्चन करो, मैं आराम से चिल कर रहा हूं, मैं गया घूमने, थैंक यू, आराम से, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, जस्ट करो एक बार, अपने आप से खुद करो जल्दी गाइस, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई रिस्पेक्ट यू लॉट, जस्ट देखो क्या करना है, टेंशन नको, किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता ही रहूंगा ना, अकेले कमरे में स्टूडियो में मैं और मेरा जीनी आपस में बैठे मस्ती कर रहे हैं, क्या सही डिजाइन बना है भाई, दिस इज गुड, आई लाइक दिस। जल्दी गाइस, कुछ लोगों को इरिटेटिंग लग रहा होगा, जस्ट डू इट, दिस इज गुड, कर लो कर लो। क्लास कहती है सर पहले वाले को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्लास बोलेगी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू। जिंदगी में किसी को भी भूल जाना किसी को भी भूल जाना, किसी को भी, अपने लाइफ में अपने आप से मतलब रखना, सेल्फिश हो जाना, किसी से कोई मतलब मत रखना, बट डिफरेंशिएशन में चेन रूल मत भूलना, चेन रूल मत भूलना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर चेन रूल भूल गए ना तो दिक्कत होगी, मेरे पे सवाल उठेगा कि यार चेन रूल नहीं पढ़ाया था, तुम कैसे मास्टर के पास पढ़े थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन रूल हर जगह लगता है, हमें सतर्क रहना है। तो क्लास बोलेगी dx by dt बराबर a, एक सेकेंड रुकेगी क्लास, cos t किसकी बात हो रही है, cos t का डेरिवेटिव, ओए ओए ओए, यस यस, कुछ तो फंसेगा ना भैया, कुछ तो फंसेगा भी, ध्यान से, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा a बाहर है माइनस साइन t प्लस लॉग में कुछ भी हो वन अपॉन टेन t
टी बाय टू। अब ये लिखकर छोड़ मत आना जो चेन रूल का भाषण आपको दिया है, इन टू डी बाय डी टी ऑफ टैन टी बाय टू। फिर अभी आगे चलोगे, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी इंटू वन अपॉन टैन टी बाय टू, ये प्लस का साइन है, टैन टी बाय टू का होगा सीकेंट स्क्वायर टी बाय टू इंटू, अभी भी पिक्चर बाकी है, टैन डेरिवेटिव हो गया डी बाय डी टी ऑफ टी बाय टू। टी का डेरिवेटिव तो वन होगा, टी बाय टू का वन बाय टू होगा। आराम से मुझे पॉज कर लो, पहले ये स्टेप देख लेना, इस क्वेश्चन में यही स्टेप था जो मेन था। तो क्लास बोलेगी डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन, अब थोड़ी सी चलाकी कर रहा हूं, टैन टी बाय टू को लिख दिया साइन टी बाय टू अपॉन कॉस टी बाय टू इंटू सीकेंट स्क्वायर लिख दूंगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाय टू इंटू टी बाय टू का आ गया वन बाय टू। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से देखना। कॉस टी बाय टू से एक कॉस टी बाय टू कट जाएगा, मैं एक स्टेप और फालतू ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स बाय डी टी बराबर हो जाएगा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन, अब थोड़ा सा चेन को गायब करना पड़ेगा, चेन को भूल नहीं रहा, चेन को गायब कर रहा हूं, वन अपॉन क्लास बोलेगी वन अपॉन टू टाइम्स साइन टी बाय टू इंटू कॉस टी बाय टू। अगर देख लो तो टू टाइम्स साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन टू ए, तो टू टाइम्स साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू बराबर होगा साइन ए। अलर्ट रहना ही पढ़ाई और बच्चे का काम है, ध्यान देना, थोड़ा गला खराब हो रहा है। क्लास बोलेगी डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी हो जाएगा, साइन टू ए का फॉर्मूला लग जाएगा डी एक्स बाय डी टी, अभी डी एक्स बाय डी टी में ही फंसे हुए हैं, साइन टी ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी ऊपर चला जाएगा प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर है वन, वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। तो डी एक्स बाय डी टी जो हो जाएगा ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इस क्वेश्चन की लेंथ को लेके मत डरना, ये इजी था, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, इट वॉज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर ये हो गया है तो y को लेकर आओ, हमारे पास अभी dx by dt आया है, अब y को लेकर आएंगे, इतनी जगह y के लेनी चाहिए, y इजी था, y वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। क्लास बोलेगी सर y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन t है तो dy by dt, आलस मत करना, यहाँ एक लाइन लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो a बाहर d by dt ऑफ साइन t, मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए बाहर कॉस टी, अंदर वाले टी का वन होता है, तो ये कंप्लीट है, हमारे पास डी एक्स बाई डी टी भी आ गया और डी वाई बाई डी टी भी आ गया, हमारे पास डी वाई बाई डी टी भी आ गया और डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, दोनों के दोनों हमारे पास आ गए। अभी फाइनल आंसर आना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन dx by dt, तो dy by dt is a cos t upon a cos square t upon का upon ये sin t में ऊपर ले आया, तो एक cos t से एक cos t कट गया, a से a कट गया, तो आंसर आ गया sin t upon cos t is tan t। ये करने के बाद, इस लेक्चर के बाद, अगर आपने प्ले पॉज रिकॉर्ड, ये टॉपिक ना थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं, दिमाग से थोड़ा सा निकल जाता है, बच्चे हल्का फुल्का सा भूल जाते हैं, तो ये टॉपिक करने के बाद आप एनसीईआरटी की 5.6 पूरी तरह कर सकते हो, 5.6 में आपको कोई भी नहीं फंसा सकता, और क्योंकि 5.6 में आपको कोई नहीं फंसा सकता तो तुम भी हमारे से पंगे लेना। जब 5.6 हो जाए तो नीचे चैट बॉक्स में लिख देना सर 5.6 डन, आई विल फील हैप्पी, यू विल फील हैप्पी, एंड चिल करो, बट मेहनत करके आराम करने का जो सुख होता है उससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं होती, अगर आप लोग समझो इस बात को। तो आई होप इस छोटे से लेक्चर से आपको कुछ फायदा जरूर मिला होगा, फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।